हेलीकॉप्टर के साथ साथ लाखों ईवीएम भी बीजेपी ने बुक कर लिया। देखिए, जो बैठक मुंबई में हुई है उस बैठक का प्रभाव सत्ता पक्ष के ऊपर कितना ज्यादा है, कितना गहरा पड़ा है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना गहरा पड़ा है, ये आनन फानन में तमाम निर्णय सत्ता पक्ष के द्वारा ऐसे लिए जा रहे हैं जो इस बात को दर्शाता है कि इंडिया से कितना उनको भय लग रहा है, इंडिया से कितना वो आतंकित हो रहे हैं, डर रहे हैं। और इसलिए आपको पता होगा कि एक विशेष शस्त्र की मीटिंग बुलाई जा रही है और उस मीटिंग में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत हिंदुस्तान के पैसे को बचाया जा सके, हिंदुस्तान में चुनाव जो होते हैं वो एक बार में कराए जा सके, हिंदुस्तान का भला हो, ताकि हिंदुस्तान की जनता के जो मुद्दे होते थे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में भटक जाते थे वो सब अगर कमेटी बन गई है एक देश एक चुनाव तो दिक्कत क्या है उसमें? सुनो तो सही, एक एक दिशा में आकर के उनपे फोकस होकर के काम किया जा सके। लेकिन जब देश के हित में काम करने के लिए निर्णय लिए जा रहे हो तो उसमें विपक्ष का होना तो जरूरी होता है। लेकिन सत्ता पक्ष की जो विशेष सत्र की जो मीटिंग है, जो कमेटी बनाई गई है, उसमें विपक्ष का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। न विपक्ष से चर्चा की गई, न कोई सलाह मशवरा किया गया, तो ऐसी कौन सी मीटिंग? अब समझो, ये विशेष सत्र की मीटिंग नहीं है, ये विशेष डर की मीटिंग है। क्यों डर की मीटिंग है? क्योंकि पटना से लेकर इंडिया की जो रेल चली थी वो कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक के बेंगलोर से जब वो चली तो मुंबई पहुंची, और उसकी रफ्तार पटना से जब वो बेंगलोर गई तब तेज थी, बेंगलोर से जब मुंबई आई तो और तेज हुई, और ये 24 तक पहुंचते पहुंचते सुपरफास्ट बन जाएगी, एक्सप्रेस बन जाएगी। इतना ज्यादा उनको डर है, इतना ज्यादा खलबली उनके पूरे खेमे में है कि आनन फानन में आकर के, चूंकि हिंदुस्तान इनकी मंशा को तो बहुत अच्छी तरीके से समझने लग गया था जब ये इंडिया के खिलाफ खड़े हुए थे, जब इन्होंने इंडिया का विरोध किया था। और आज सिर्फ यही लोग इंडिया के खिलाफ नहीं खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक मुखपत्र है दैनिक जागरण, आपने देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने क्या लिखी है, INDIA, ये कौन लिख रहा है? क्या अखबार कभी ऐसा काम करते थे? 2014 से पहले चाहे किसी भी अखबार को आप उठा करके देख लो, चाहे किसी भी मीडिया को आप उठा करके देख लो, उनका एक काम होता था, वो सरकार की जो नाकामयाबी होती थी उसको दिखाते थे, सरकार की कमियों को उजागर करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि नाकामयाबी और कमियों को उजागर करने की तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि इस देश के हित में जो फैसले नहीं है उनको भी देश के हित में बताने के लिए दिन रात काम किया गया, चाहे वो अखबार की बात करो, चाहे मुख्य धारा मीडिया की बात करो। अभी आप डर की बात कर रहे थे, उनको डर किस बात का है जबकि उनके पास तो 38 दल है इंडिया के साथ? देखिए, डर उन्हें इंडिया का है, डर उन्हें भारत का है, डर उन्हें 2024 के चुनाव का है, इस देश का एक ऐसा तानाशाह जो इतनी खतरनाक तरीके से थरथर थरथर कांप रहा है, डर रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं, जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, फिर उसे 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे ही इंडिया की मीटिंग हुई, जैसे ही इंडिया के दल सारे के सारे इकट्ठे हुए, सोचिए आप, एक प्लेटफॉर्म पर जैसे ही इंडिया के दल इकट्ठे हुए, इंडिया के खिलाफ बोलने वाले, इंडिया के खिलाफ जाने वालों ने 38 दलों का एक समूह इकट्ठा किया, उसमें से 24 से ज्यादा दल ऐसे जिनका कोई सांसद नहीं, जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो कौन सी पार्टी, कहां पार्टी है, ये जो उस 38 दलों में बैठे, उन 38 दलों में काफी लोग नहीं जानते कौन कौन हमारे साथ बैठा है, हमारे बगल की कुर्सी पर बैठा हुआ कौन से दल का है, यह उन्हीं दल को नहीं मालूम था जो इंडिया के खिलाफ खड़े थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं उन्हें डर इंडिया का है, उन्हें डर इंडिया को जो जिताने के लिए, इंडिया को जो बचाने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें डर उनसे है। और इतना डर है कि वो 38 लोगों का काफिला लेकर के भी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि 2024 में हम कुछ कर पाएंगे, इंडिया को हम हरा पाएंगे, इंडिया को हम बैकफुट पर ले जा, इंडिया तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, ऐसा भाजपा बोल रही है। आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा देशद्रोह का अगर आप ये कहेंगे। अच्छा, इंडिया कब दिखाई नहीं दिया, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं इंडिया दल की बात कर रहा हूँ। आप इंडिया में रहते हैं? हाँ। इंडिया ने ही आपको अधिकार दिया इस माइक को पकड़ने का, इंडिया ने ही आपको अधिकार दिया ये कैमरा पकड़ने का, इंडिया ने अधिकार दिया आपको सवाल पूछने का, और उसी इंडिया ने अधिकार दिया इंडिया को एकजुट होने का, उसी इंडिया ने अधिकार दिया इंडिया गठबंधन बनाने का। तो इंडिया तो एनडीए के साथ एकजुट है ना? अरे आप देखिए, एनडीए जो है
एनडीए किस हद तक कमजोर पड़ चुका है। उदाहरण के तौर पर आज नितिन गडकरी लाल आंखें दिखा रहे हैं, किसको, नरेंद्र मोदी को। चीन को तो लाल आंखें दिखा नहीं पाए नरेंद्र मोदी कभी, लेकिन अब नितिन गडकरी जरूर लाल आंखें उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब रिश्ता रिश्ता ना रहा, विश्वास विश्वास ना रहा। नितिन गडकरी एक ऐसे शख्स हैं जो अच्छी कादी तरीके से समझ चुके हैं कि इस झूठ की बहती हुई नदी में, इस झूठ की बहती हुई गंगा में तुम क्यों डुबकी लगा करके भाई पाप के भागी बन रहे हो। तुमने तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट में काम अच्छा किया है, तो तुम बाहर निकल करके आओ। कल को अगर तुम सही खड़े होगे तो तुम्हें जनता एक्सेप्ट करेगी। तुम क्यों नरेंद्र मोदी के गुनाहों के चक्कर में जो है पाप के भागी बन रहे हो। पहले अपने अंदर जो टूट फूट चल रही है, उथल पुथल चल रही है, ज्वालामुखी की तरह भूचाल आया हुआ है, पहले उसे तो संभाल लो आप, बाकी बात छोड़ दीजिए आप। रही बात इंडिया की, इंडिया इस समय चिड़िया को नहीं देख रहा है, इंडिया चिड़िया की आंख को देख रहा है। उसे हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के मुद्दे को जिंदा रखना है। इंडिया का लक्ष्य है कि इस देश की जनता जीवित रहे। इंडिया का लक्ष्य है कि इस देश में प्रेम मोहब्बत स्थापित हो। इंडिया का लक्ष्य है इस देश से नफरत मिट जाए। इंडिया का क्या लक्ष्य है आप बताइए मुझे। इंडिया का लक्ष्य इस देश में नफरत ही नफरत हो। इंडिया का लक्ष्य है एक मणिपुर जला, बाकी और प्रदेश जलने चाहिए। इंडिया का लक्ष्य है नूह में बाद जला, ऐसे और हमें जो है प्रदेश जलाने हैं, ताकि मैं सत्ता की रोटियों को सेक पाऊं, ताकि मैं सट्टा के वोट को पा पाऊं। आप याद रखिए, ये लोग जितने भी अपने दल, जितने भी अपने संगठन, जितनी भी अपनी कमेटी, जितनी भी अपनी समितियां कुछ भी करके बना ले, एक ऐसा तानाशाह जो लाशों पर बैठ करके भी वोट मांगने का काम करता है। तानाशाह बोलने, जनता उसको सराह रही है। मैंने नाम तो लिया नहीं किसी का। आप सोचिए, एक ऐसा देश इन्होंने बना दिया जहां एक टीचर खड़े होकर के अपनी क्लास को खत्म करते करते ये कहता है कि भाई साहब आपकी पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, ताकि आप परीक्षा देने जाओ, परीक्षा देने के बाद में आपकी परीक्षा निरस्त नहीं हो, रातों रात उसको निकाल दिया जाता है। आखिर जब मैं अनपढ़ कहता हूं तो क्यों एक विशेष आदमी अपने ऊपर ले लेता है, क्यों एक विशेष पार्टी अपने ऊपर ले लेती है। जब मैं जुमला पार्टी कहता हूं क्यों वो अपने ऊपर ले लेती है, और जब मैं जुमला पार्टी कहता हूं, जुमला जी भी कहता हूं, झूठा कहता हूं, फरेबी कहता हूं, चोर कहता हूं, तो आप जैसे दलाल पत्रकारों को ये क्यों लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं। इस बात का जवाब है आपके पास कोई? तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर किसी चोर को चोर कहो और उसे कोई दिक्कत नहीं हो, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, कोई कुलबुलाहट उसमें नहीं हो, तो मतलब उसने गलती नहीं की। और किसी को चोर कहने पर वो चीखे, वो चिल्लाए, वो प्रतिक्रिया दे, किसी को सजा दे, उल्टे सीधे कानून बनाए, इसका मतलब दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, और ये एनडीए में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2024 में फिर से आएंगे मोदी जी ने बोला है। देखिए 2024 में क्या होगा ये निर्णय देश की जनता करेगी। हाँ। और देश की जनता बीते 9 सालों में हर चीज को याद करके बैठी है। उसे वो 380 दिन भी याद है जब उसके घर के लोग, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उसके घर के लोग जब 380 दिनों तक देश की सीमाओं पर बैठ गए, उसके घर के लोग शहीद होते रहे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा था, बोला नहीं। इस देश की जनता को वो भी याद है जब इस देश के खिलाड़ी जो इस देश को गर्व की अनुभूति करवाते हैं 36 दिनों तक जंतर मंतर की सड़कों पर बैठ करके चले गए, लेकिन इस देश के मुखिया ने ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस देश को मणिपुर भी याद है जो इस देश की मणि अर्थात मणिपुर जलता रहा, सैकड़ों हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, वहां की बहन बेटियों के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहा। जनता को यह भी याद है, जनता को यह भी याद है कि 2 करोड़ रोजगार का महाजुमला देने वाला प्रधानमंत्री जब रोजगार के नाम पर बिल्कुल फेल साबित हो गया, देश की जनता को यह भी याद है। 15-15 लाख रुपए का झूठा जुमले देने वाला व्यक्ति जब देश की जनता के साथ मजाक कर गया, देश की जनता को यह भी याद है। तो आप छोड़ दीजिए 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, 2024 का चुनाव सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष नहीं होगा, 2024 का चुनाव सत्ता पक्ष बनाम जनता होगा। अब जनता से बड़े अगर आप हो, जनता से समझदार अगर आप हो, जनता से समझदारी वाली पत्रकारिता आपने सीखी हो, तो कोई वो बात अलग है। जनता को सौगात दी है, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज तक क्या हुआ था भाई, और मुझे बताओ, एक ऐसा प्रधानमंत्री जब इस देश की जनता के पैसे से देश की जनता को कोई और पार्टी उनको सुविधाएं दे, उनको बिजली फ्री दे, उनको पानी फ्री दे,
उसको गैस सिलेंडर 500 रुपए का जैसे राजस्थान में दिया जा रहा है अन्य प्रदेशों में, तब आप कहते हो कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। और जब आप 200 रुपए सिलेंडर को सस्ता कर रहे हो, क्यों? आप जब खुद फ्री दे रहे हो तो आप अपनी फ्री रेबड़ी को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हो, आपके दलाल पत्रकार महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। कितना दोगला रवैया है रे भाई, ये देश की जनता सब कुछ जानती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस देश की जनता अब झूठ के झांसे में फंसने वाली नहीं है, जुमला के झांसे वाले में फंसने वाली नहीं। और तो और, अब जब मैं जुमला जी भी कह रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही होगी, हो सकता हो पेट में मरोड़ उठ रही हो आपके, किसको कह रहे हो जुमला जी भी? तो जुमला जी भी, इस देश के प्रधानमंत्री को मैंने नहीं कहा, इस देश के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर बैठ करके इस देश के प्रधानमंत्री को जुमला जी भी साबित किया था नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। और जब देश का गृह मंत्री खुद टैग देता हो इस देश के प्रधानमंत्री को जुमला जी भी का अनपढ़ होने का टैग देता हो, तो देश की जनता तो देख रही है ना सब कुछ। तो देश की जनता ने बीते 9 सालों तक सब कुछ देखा है, और चिंता मत कीजिए, अभी भी वक्त है आप लोगों के पास कि देश के हित में सवाल पूछना शुरू कीजिए, देश के मुद्दे उठाना शुरू कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं के लायक नहीं रहोगे, हो सकता है आप ही एक मुद्दा बन जाओ, चीखोगे चिल्लाओगे लेकिन फिर आवाज किसी को आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है।